अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की क्लास में हम देखेंगे, लास्ट क्लास हमने जो है वो एडजस्टमेंट लेयर्स स्टार्ट की थी। इमेज एनहेंसमेंट किस तरह से होती है, क्या होती है, वो मैंने आपको बताया था। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके प्रीवियस क्लास देख सकते हैं। सो आपको एडजस्टमेंट लेयर्स यूज़ करना आ जाए। आज की क्लास में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है हिस्टोग्राम, क्योंकि आगे हम पिक्चर्स को जब एनहेंस कर रहे होंगे तो हमारे लिए ये हिस्टोग्राम समझना, उसको पढ़ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा आज की क्लास में हिस्टोग्राम क्या चीज़ होती है। तो हिस्टोग्राम हम एक स्टैटिकल डाटा होता है जिसकी बेसिस पे, जैसे आपके पास चार्ट्स होते हैं, पाई चार्ट्स होते हैं, तो आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए जो डाटा बनाना होता है आप उसमें एक टाइप जो है वो हिस्टोग्राम की भी होती है। सही, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब कि जो है वो कौन सी चीज़ बढ़ रही है, कौन सी चीज़ कम हो रही है। ऐसे जैसे आपका क्रिकेट मैच में जो चार्ट दिखाए जाते हैं, कौन सी टीम जल्दी रन बना रही है, कौन सी टीम जो है वो देर से रन बना रही है, सही, किसने ज़्यादा रन बनाए, किसने कम रन बनाए, तो ये सब देखने के लिए आपके चार्ट की फॉर्म में एक डाटा आपको दिया जाता है। तो सेम इसी तरह से जब आप पिक्चर पर काम कर रहे होते हैं तो पिक्चर्स के कलर्स और लाइट्स, उनके कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी जाती है आपकी तस्वीर की, जिसको आप कहते हैं हिस्टोग्राम। आप कोई भी ऐसे किसी भी ऐसे सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं जो पिक्चर पे काम करता है, पिक्चर्स को एडिट करता है, पिक्चर्स को एनहेंस करता है, तो ज़रूरी है कि उसके अंदर आपको हिस्टोग्राम का ऑप्शन मिलेगा। सो फोटोशॉप भी एक रेस्टर सॉफ्टवेयर है, पिक्चर्स पे काम करने वाला सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पर भी आपके पास हिस्टोग्राम मौजूद है। हिस्टोग्राम सबसे पहले हम देख लेते हैं कि होता क्या है। सो मैं यहाँ से जाके ये वाली लेयर बंद कर देता हूँ। कुछ ऐसा नज़र आता है आपको हिस्टोग्राम। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हर एक पिक्चर का हिस्टोग्राम जैसा ही आपको अभी सामने नज़र आ रहा है हमेशा ऐसा ही नज़र आए। इसको पढ़ने का, समझने का एक तरीका होता है। देखिए, वर्टिकली जो आपको यहाँ पर अमाउंट मिल रहा है ये है अमाउंट ऑफ कलर्स, कि कौन सा कलर ज़्यादा है, कौन सा कलर कम है। अब कलर्स किस तरह से देखते हैं वो हम आगे चैनल्स पे जब जाएंगे तो हम चैनल्स में ये देखेंगे। यहाँ पर आप देखते हैं लाइट्स और कलर्स का क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। अगर आप एक्स एक्सिस पे देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास ये जो पहला वाला पार्ट है, जो सबसे ज़्यादा लेफ्ट मोस्ट वाला पार्ट है, जो बिल्कुल उल्टे हाथ की तरफ आपको जो पहला पार्ट मिलेगा, पहला सेक्शन मिलेगा, ये ब्लैक्स का रीजन है, ठीक है। उसके बाद जो आगे थोड़ा रीजन मिलेगा ये शेडोज़ का रीजन होगा। उसके बाद बिल्कुल सेंटर में जो रीजन आपको मिलेगा ये मिड टोन्स का रीजन होगा। और राइट साइड पे आप जाएंगे मिड टोन्स के, तो हाइलाइट्स होती हैं, और फिर उसके बाद होते हैं वाइट्स, या आप लाइट भी कह सकते हैं। सो सबसे पहले डार्कनेस या ब्लैक कलर, उसके बाद शेडोज, मिड टोन्स, हाईलाइट्स एंड फिर वाइट कलर। इसी सीक्वेंस में हम किसी भी इमेज के हिस्टोग्राम को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। तो ये वाला जो सीक्वेंस है वो याद रखिएगा। सबसे पहले ब्लैक कलर, फिर ब्लैक थोड़ा डिम होता है तो शेडोज बनते हैं, फिर थोड़ा और डिम होता है तो ग्रे कलर आता है। मिड टोन्स को ग्रे कलर से याद रखा करें, मिड टोन्स होते हैं, और फिर तस्वीर में हाईलाइट्स होती हैं, और फिर वाइट्स होते हैं या ब्राइटनेस होती है, लाइट कलर्स होते हैं। तो आप किसी भी पिक्चर को उसके हिस्टोग्राम्स को देख के पहचान सकते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर आपको ये ऑप्शन देते हैं कि आप हिस्टोग्राम से डायरेक्टली उसकी लाइट्स को बैलेंस कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। सो ये आपका हिस्टोग्राम होता है कि कौन से पिक्चर में कौन से अमाउंट जो लाइट है वो ज़्यादा आ रही है, कलर्स मिल के या कलर्स ब्राइट हैं तो वहाँ पर लाइट बन रही होगी, और कौन से कलर्स में डार्कनेस मौजूद है। मैं आपको इसको किसी पिक्चर पे दिखाता हूँ। तो देखें, मेरे पास यहाँ पर एक तस्वीर है ये वाली। इस पिक्चर का जो एनवायरनमेंट है वो उस आपको बहुत ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रहा हो, यानी आप समझ लें इसमें वाइट वाइट कलर या लाइट बहुत ज़्यादा, तो इसका हिस्टोग्राम देखने के लिए मैं यहाँ विंडो में जाता हूँ, और विंडो में जाके यहाँ पे हम हिस्टोग्राम पे क्लिक कर देते हैं। तो ये है इस पिक्चर का हिस्टोग्राम। इस पिक्चर में अगर आप इस हिस्टोग्राम को देखें इसके मुताबिक, तो हमने ये देखा था कि अगर किसी तस्वीर में वाइट या ब्राइट कलर ज़्यादा होगा तो वो इस जगह पे दिखा रहा होगा। तो देखें, सेम इसी तरह से ये पिक्चर दिखा रही है आपको कि इसमें ब्लैक बहुत कम है, सही, ना होने के बराबर है, शेडोज़ कुछ ना कुछ हैं, मिड टोन्स भी लिमिटेड है, यानी ग्रेश कलर जो हैं वो लिमिटेड हैं, और फिर जो हाइलाइट्स और वाइट कलर्स हैं ये बहुत ज़्यादा मिकदार में इस तस्वीर में मौजूद है, ठीक है। सो इस तरह से आप हिस्टोग्राम देखते हैं। इसके मुकाबले में एक और पिक्चर आपको दिखाता हूँ, लाइक ये वाले पिक्चर देखें। सो इसमें देखें आपका जो, सो इस पिक्चर में देखें तो आपको डार्कनेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है इस तस्वीर में। सो डार्कनेस ज़्यादा है तो देखें यहाँ पर हिस्टोग्राम भी आपको क्या दिखा रहा है कि इसमें ब्लैकनेस बहुत ज़्यादा है, शेडोज़ बहुत ज़्यादा हैं, मिड टोन्स, हाईलाइट्स और लाइट जो है वो ना होने के बराबर है। कहीं पर भी इसमें मेरे ख्याल से इसमें वाइट कलर नहीं है,
जहाँ नज़र आ भी रहा है तो वो ब्राइट कलर बिल्कुल वाइट कलर नहीं है, वो रेडिश कुछ वाइट कलर आ रहा होगा। तो इसलिए आपका हिस्टोग्राम आपको ये बता रहा है कि इस तस्वीर के पास लाइट बहुत कम है या ना होने के बराबर है, शेडोज़ और जो ब्लैक कलर है वो बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, इस तरह इस पिक्चर को देखें तो इसमें भी आपको ये दिखा रहा है कि लाइट की एक ये जो बिल्कुल वाइट कलर है उसकी लाइन यहाँ पर आ रही है, तो उसको एक यहाँ पर डिटेक्ट कर रहा है। बाकी यहाँ पर आपको इस तस्वीर को देख के पता चल रहा है कि इसमें जो शेडोज़ और ब्लैकनेस है वो ज़्यादा है और मिड टोन्स थोड़े लिमिटेड है। सही, मतलब बहुत ज़्यादा ब्राइट पिक्चर नहीं है। ये वाली जो पिक्चर थी ये बहुत ब्राइट थी, वाइट कलर हाईलाइट्स कलर्स बहुत ज़्यादा थे इसमें। तो आपको देखें इसका हिस्टोग्राम जो है वो हिस्टोग्राम की जो वैल्यूज़ हैं वो आपको वाइट और लाइट कलर के करीब बढ़ी हुई नज़र आ रही है, ज़्यादा नज़र आ रही है। जबकि जो ये ब्लैक वाली इमेजेस हैं जिनमें डार्कनेस ज़्यादा है तो उसमें आपको ये डार्कनेस नज़र आ रही है। ये होता है हिस्टोग्राम, आप इस तरह से हिस्टोग्राम देखते हैं, क्योंकि आगे के जो हमारी एनहेंसमेंट लेयर्स होंगी वो डिपेंड करती हैं आपके हिस्टोग्राम्स। सो ये था हिस्टोग्राम। नेक्स्ट हमारे पास है जो हमारी एक्चुअल में एडजस्टमेंट लेयर है आज की, वो है लेवल्स। सो लेवल्स क्या काम करते हैं, सबसे पहले तो देखें लेवल्स कहाँ मिलते हैं। हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको सेक्शंस की डिवीजन बताई थी, तो लास्ट क्लास में हमने ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट किया था, आज हम लेवल्स कर रहे हैं। सो लेवल्स भी पार्ट होता है लाइट एडजस्टमेंट का। सो लेवल्स एडजस्ट करने के लिए मैं लेवल्स पे जाता हूँ और मैं पहले कोई पिक्चर ओपन कर लेता हूँ। सो सपोज़ मैंने यहाँ से मैंने ये वाली पिक्चर सेलेक्ट कर ली लेवल्स को एडजस्ट करने के लिए। सो लेवल्स एडजस्ट करने के लिए देखें मैं यहाँ से जाता हूँ और मैंने यहाँ पे लेवल्स लगा दिए। तो अभी मैंने आपको जो हिस्टोग्राम बताया सेम वही हिस्टोग्राम आपको यहाँ लेवल्स में बना हुआ नज़र आ रहा है। लेवल्स में आपको देखें थोड़े से ऑप्शन ज़्यादा मिलेंगे जैसे आपके पास ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट में थे। तो सबसे पहले तो देखें यहाँ प्री सेट आपको दिया हुआ है, प्री सेट में आपके पास पहले से बने हुए यहाँ पर कुछ इफेक्ट्स होंगे और एक शायद मैंने कभी बनाया होगा तो यहाँ पे बना हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे डार्कर है, मैं डार्कर अप्लाई करता हूँ तो डार्कर ये मतलब जैसे आपके पास इफेक्ट्स होते हैं वो आपके पास यहाँ पर ये मौजूद हैं। आप बस सिंपली सिलेक्ट करके और अप्लाई करवा सकते हैं। लाइट लाइट एंड शेडोज़ आप अप्लाई करेंगे तो लाइट एंड शेडोज़ आपके सामने आते हैं। ये चीज़ें मैं ख़ुद से एडजस्ट करना चाहता हूँ तो मैंने इसको डिफ़ॉल्ट पे रखा। यहाँ पर आपको ऑटो का बटन दिया गया है कि आप ऑटोमेटिकली कोई तस्वीर है उसको एडजस्ट करवाना चाहते हैं, ऑटो लेवल करवाना चाहते हैं, ऑटो टोन करवाना चाहते हैं, तो आप यहाँ ऑटो पे जाके इस बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली थोड़ा सा टाइम लगाएगा और ऑटोमेटिकली इस तस्वीर के कलर जो थे वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मामूली सा फ़र्क आ रहा है इसमें ऑटो करने पे। सो मैं इसको यहाँ से दोबारा से डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि आपको RGB में चेंज करना है या आप इंडिविजुअली जो चैनल्स होते हैं उन पे आप काम करना चाहते हैं। चैनल्स अभी तक हमने नहीं देखे हैं तो चैनल्स हम देखेंगे आगे क्लासेस में। मैं यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा, बट जो प्रॉपर आपके पास चैनल्स होंगे वो हमारे पास जब आगे इफेक्ट्स आएंगे चैनल मिक्सर वाले या फिर कलर बैलेंस आएगा तो उसमें हम देखेंगे। सो मैं यहाँ से अभी RGB पे सेट करता हूँ, मुझे लाइट एडजस्ट करनी है RGB पर। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने अभी आपको हिस्टोग्राम में भी बताया था कि सबसे लास्ट में आपके पास ब्लैक कलर होता है, तो यहाँ पे देखें आपको स्लाइडर नज़र आ रहा होगा ब्लैक कलर का। सो देखिए मैंने अपने इंटरफेस का जो कलर था वो मैंने वाइट कर दिया है और यहाँ पर देखें आपको एक ब्लैक कलर का ये एक स्लाइडर नज़र आ रहा है। तो मैं यहाँ से जाके स्लाइडर को यूज़ कर सकता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया और क्लिक करके देखें ये वाला रीजन जो है ये ब्लैक के पास है, ये शेडोज़ और जो डार्कनेस है उनके पास है, ये मिड टोन रीजन है और ये वाला जो रीजन है ये ब्राइटनेस का। तो अगर आप चाहते हैं तस्वीर वाइट के करीब चली जाए तो आप वाइट वाले ये जो स्लाइडर है इसको ज़्यादा जगह दे देंगे। सपोज़ मैं इस ग्रे को बढ़ा देता हूँ तो देखें यहाँ से ग्रे से वाइट तक ये सारा एरिया हमने वाइट को दे दिया, तो इस तस्वीर में आपको वाइट कलर ज़्यादा नज़र आने लगेगा, बढ़ जाएगा वाइट कलर। अच्छा, सेम इसी तरह से अगर मैं इस ग्रे को दूर करता हूँ और मैं ब्लैक को ज़्यादा रीजन दे देता हूँ तो देखें इस तस्वीर में आपको ब्लैकनेस या अंधेरा जो होता है डार्कनेस जो होती है वो आपको ज़्यादा नज़र आ रही होगी। ठीक है, और अगर बिल्कुल ही ब्लैक करना है अभी सिर्फ कम होते होते शेडोज़ तक ये चीज़ जा रही है, अगर आप चाहते हैं ब्लैक बहुत ज़्यादा हो तो इसको उठा के आप ब्लैक को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर मैं फुल कर देता हूँ देखें ब्लैक ब्लैक ही हो जाएगा ये पूरी तस्वीर। सो मैं इसको दोबारा से वापस से कर देता हूँ, यहाँ से आप जाके डिफ़ॉल्ट कर देंगे तो ये डिफ़ॉल्ट पे आ जाएगा, रीसेट हो जाएंगे सारे इफेक्ट्स। और मैं इसको एडजस्ट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ थोड़ी सी जो डार्कनेस है वो ज़्यादा हो, तो मैं इसकी डार्कनेस को थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा, इसी तरह से मैं चाहता हूँ थोड़ी सी जो लाइट जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाए। लाइट इंक्रीज़ करने का मतलब ये है कि देखिए इसमें कुछ ना कुछ लाइट मौजूद है, यहाँ पर आपको ये ब्लैक कलर से नज़र आ रहा है तो इसका मतलब इसके फेस पे लाइट पड़ रही है, इसके हाथों पे लाइट पड़ रही है, तो ये लाइट मौजूद है। ये अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप ये देखें मैं शार्प कर सकता हूँ, ब्राइट कर सकता हूँ। सही, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ाया, ज़्यादा नहीं, और मैंने इतना एडजस्ट कर दिया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपको आई ड्रॉपर्स भी दिए गए हैं
आई ड्रॉपर से हम क्या काम कर सकते हैं, आई ड्रॉपर से आप वाइट बैलेंसिंग करवा सकते हैं। वाइट बैलेंसिंग करने के लिए ये होगा कि आप जो है वो यहाँ से मैंने लेवल्स का इफेक्ट लगा दिया और मैं यहाँ से ब्लैक कलर को सिलेक्ट करके यहाँ इस तस्वीर में जो भी आपको एक प्रॉपर डार्क ब्लैक कलर मिलता है आप उस पर जाके क्लिक कर दें। तो ये ब्लैक एडजस्ट कर दिया आपने। मिड टोन्स कलर आप ये सेंटर वाला जो है ग्रे कलर का, तो इसमें जो भी आपको लगता है कि इस तस्वीर का मिड टोन कलर होगा उस मिड टोन कलर पर जाके क्लिक कर दें। और लास्ट आपके पास ये वाइट कलर, तो जहाँ भी आपको ब्राइट कलर नज़र आ रहा है उस पर जाके आप क्लिक कर दें। तो ये आप वाइट बैलेंसिंग से इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। और बहुत सारे तरीके होते हैं इन आई ड्रॉपर्स को यूज़ करने के लिए। मैं इस पर एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है कि आप लाइट्स को कॉपी किस तरह से करते हैं एक पिक्चर से दूसरी पिक्चर तक। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है या यहाँ ऊपर आप इस आई के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा वो उस वाली वीडियो का लिंक। अच्छा, इसी तरह से यहाँ नीचे एक और स्लाइडर आपको नज़र आ रहा है। सो ये स्लाइडर क्या काम करता है, ये आपको बताता है कि आप इस तस्वीर के जितने भी ब्लैक कलर्स हैं उन पे काम करना चाहते हैं, जितने भी वाइट कलर हैं आप उन पे काम करना चाहते हैं या नहीं। आप चाहते हैं कि मुझे वाइट की जो वैल्यूज़ हैं वो थोड़ी कम करनी है और ब्लैक की भी जो वैल्यूज़ हैं वो कम। देखिए मैं ब्लैक की वैल्यूज़ कम कर रहा हूँ, ग्रे पे लेकर आ रहा हूँ, तो अब जो भी ब्लैक ब्लैक थे वो ग्रे हो गए होंगे और जो भी वाइट वाइट थे वो भी ग्रे हो गए। अब मैं वाइट को बढ़ाता हूँ, जो वाइट थे वो वाइट ही रहेंगे, जो ब्लैक थे वो ब्लैक ही रहेंगे। तो अगर आप ऐसे रखना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि जो बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर जो आ रहा है या बहुत ज़्यादा वाइट कलर जो आ रहा है वो तस्वीर में ना हो, तो मैं यहाँ से इसको ब्लैक को ग्रे की तरफ ले आऊँगा और वाइट को भी मैं ग्रे की तरफ, या आपको ब्राइटनेस रखनी है वाइट कलर रखना है तो आप वाइट कलर को रख सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि ब्लैक कलर जो है वो कम हो जाए और ग्रे कलर आ जाए तो मैं यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। देन फिर मैं यहाँ से जाके भी इनकी वैल्यूज़ जो है वाइट कलर इसमें बढ़ रहा है, यहाँ से मैं कम कर लेता हूँ और मैं इसको कॉन्ट्रास्ट अप्लाई करके इसके जो ये ग्रेश कलर्स आ रहे हैं इनको मैं कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस को यूज़ करते हुए, अभी भी बहुत ज़्यादा हेज आ रही है तो मैं अगेन कॉन्ट्रास्ट लगाता हूँ। कॉन्ट्रास्ट से मैंने इसको इंक्रीज कर दिया और अब मैं लेवल्स लगा के और लेवल से देखें थोड़ा सा हिस्टोग्राम चेंज हो गया, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा ही चेंज हो गया क्योंकि हमने ब्लैक कलर्स कम कर दिए। तो मैं यहाँ से जाके अब ब्लैक को एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सो पहले पिक्चर कुछ ऐसी थी और अब हमने इसको इस तरह का बना दिया। सो एक और पिक्चर पे हम इसको यूज़ करके देखते हैं। ये एक ब्लैक एंड वाइट इमेज है, इसमें आपको बहुत अच्छे से लेवल समझ में आ जाएंगे। सो देखें इस तस्वीर में आपको ब्लैक कलर भी नज़र आ रहे हैं, ग्रे कलर्स भी नज़र आ रहे हैं और वाइट कलर्स भी नज़र आ रहे हैं। सो मैं यहाँ से लेवल्स में जाता हूँ और देखें यहाँ पर ये बता रहा है इस तस्वीर में ब्लैक का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, वाइट भी है ग्रे भी है लेकिन ब्लैक का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, फिर इसके बैकग्राउंड में ब्लैक कलर है, यहाँ अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर मौजूद है। तो क्या करेंगे, देखिए मैं यहाँ से कहता हूँ कि वाइट कलर इस तस्वीर में बढ़ जाए, तो ये ग्रे वाला कलर है, ग्रे वाले स्लाइडर को मैंने बढ़ाया तो देखें बहुत सारे प्लेसेस पे जहाँ जहाँ ग्रे कलर मौजूद था वहाँ वहाँ देखें वाइट कलर, जो ब्लैक था आप उसको चेंज नहीं कर सकते, जो ब्लैक था प्रॉपर ब्लैक वो ब्लैक ही रहेगा, इस तरह जो प्रॉपर वाइट होता है वो हमेशा वाइट ही रहता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। सो ये स्लाइडर है ये मैंने बढ़ा दिया, तो जहाँ भी ग्रे कलर्स थे वहाँ उस उतना रीजन आपने वाइट को दे दिया, अभी भी कुछ ना कुछ ग्रे नज़र आ रहे होंगे तो आप इस तरह से और बढ़ा देंगे इसको वाइट, तो ये प्रॉपर वाइट भी आप कर सकते हैं। मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ। अच्छा, इस तरह अगर आपको ब्लैक बढ़ाना है तस्वीर में तो आप यहाँ से आगे इस तरह से ब्लैक के अमाउंट को भी इंक्रीज़ करवा सकते हैं। मैंने थोड़ा सा ब्लैक ऐड कर दिया और वाइट जो थे उन जो ग्रे कलर्स आ रहे थे उनको भी मैंने थोड़ा सा वाइटनेस यानी वहाँ की मैंने ब्राइटनेस बढ़ा दी। तो इस तरह से आप जो लेवल्स होते हैं उनको एडजस्ट कर सकते हैं। कोई भी तस्वीर आपके पास आती है आप उसमें, क्योंकि लेवल से आप ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट के से ज़्यादा कुछ ऑप्शन जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो सपोज़ मैं चाहता हूँ इसमें ब्लैक कलर थोड़ा सा कम है तो इसमें थोड़ी सी डार्कनेस होनी चाहिए ताकि पिक्चर में थोड़े से कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स आ जाए, तो मैंने इसमें ब्लैकनेस ऐड की। ठीक है, वाइट को मैंने और ब्राइट करवाया। और अगेन मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि ये चीज़ें आपको कोई सिखा नहीं सकता, ये आपके मूड पे आपके फील पे डिपेंड करती हैं कि आपको इस तस्वीर में लाइट कैसी रखनी है, बहुत ज़्यादा ब्राइट रखनी है, शार्प रखनी है तो आप वो भी रख सकते हैं, या डिम रखनी है तो आप डिम भी रख सकते हैं। तो पहले पिक्चर देखें ऐसी थी जब तक मैंने इस पे लेवल्स नहीं लगाए थे, लेकिन अब लगाने के बाद पिक्चर थोड़ी सी चेंज हो गई। सो इस तरह से हम यूज़ कर रहे होते हैं अपने लेवल्स। सो ये थी आज की क्लास, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ये जो वीडियो आपने देखी है इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा वरना ये आपको समझ में नहीं आएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।